So a very good morning to all my dear students. In our last class, we have started the topic government company and we have completed the meaning and features of government company, right? We have discussed what is the meaning of government company and then after we have discussed the 8 features of government company. Today we are going to discuss the merits and demerits of a government company. Example iska hai SAIL, Steel Authority of India Limited, BHEL, Bharat Heavy Electronics Limited. तो अगर कोई भी ऐसी कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के अंडर चलती है बट कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन होता है उसके मेरिट्स क्या रहते हैं. मेरिट नंबर फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. अगेन द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑटोनॉमी फ्रीडम. इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का फ्रीडम होता है पब्लिक कॉरपोरेशन के जैसे ही यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम रहता है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सबसे ज्यादा रहता है लेकिन ये केवल गवर्नमेंट की नजर में गवर्नमेंट की विजिलेंस में रह के प्रॉपरली वर्क कर सकती है. बार बार इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा. फ्री रहेगी ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से. देखिए क्या लिखा हुआ है. द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. रिलेटिवली फ्री यानी इंटरफेरेंस तो यहाँ भी है बट कंपैरेटिवली कम. किसके कंपैरेटिवली? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट वन, इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जनरल नजरिए में ये बहुत फ्रीली काम कर सकती है. सुटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड व्हेनेवर नीडेड विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जब जैसी जरूरत होगी वैसे वैसे चेंजेस यहाँ पे जरूर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी. काम करने का फ्रीडम है तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी. अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं. अपने अकॉर्डिंग अपने फाइनेंस को यूज कर सकते हैं. जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी काम करती है वैसे ही ये काम कर सकती है. तो क्विकनेस रहेगी. डिसीजन जल्दी हो जाएंगे. ठीक है, उतना डिले नहीं होगा जितना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता है. नंबर 3, एफिशिएंट स्टाफ. कल मैंने आपको बताया था कभी भी अगर एफिशिएंट स्टाफ वाला पॉइंट आता है तो उसके अंदर आपको क्या मैटर लिखना है. एफिशिएंट स्टाफ उसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं जहां रिक्रूटमेंट और रेमुनरेशन के ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रूल्स हो. तो यहाँ गवर्नमेंट कंपनी में एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने के या एम्प्लॉयज को पेमेंट देने के रूल्स कंपनी के खुद के होते हैं. और जब उसके खुद के होते हैं वो खुद अपॉइंट कर सकती है प्रोफेशनल और स्पेशलाइज लोगों को अच्छी बढ़िया सैलरी दे के. तो उसकी वजह से उसके एम्प्लॉयज क्या होंगे, बहुत एफिशियंट होंगे, बढ़िया एम्प्लॉयज होंगे. एंड लास्ट वन, कोलैबोरेशन. मेरिट्स का 4th पॉइंट, कोलैबोरेशन. ये कह रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी किसी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के साथ कोलैबोरेट होके उनकी मैनेजरियल स्किल और उनकी टेक्निकल नोहाउ का फायदा उठा सकती है. किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ मर्ज होके प्राइवेट कंपनी के जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं उनको यूज कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी. तो यहाँ पे कोलैबोरेशन का मतलब होता है मर्जर. मेरी कंपनी के साथ आपने मर्जर कर लिया और आप मेरी कंपनी का बेनिफिट ले रहे हैं. तो गवर्नमेंट भी ये कर सकती है कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी बढ़िया चल रही है, गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो वेलफेयर भी प्रमोट कर सकती है और प्रॉफिट भी बढ़िया हो रहा है तो उसके साथ वो मर्ज हो सकती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. जहां भी ऑटोनॉमी फ्रीडम में आएगा, मेरिट्स में आएगा ऑटोनॉमी वाला पॉइंट, वहां डीमेरिट में ये जरूर आएगा कि ये ऑटोनॉमी केवल पेपर पे है. रियालिटी में उतना फ्रीडम नहीं होता जितना दिखाया जाता है. एक्चुअली तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कंपनी है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का इंटरफेरेंस आ ही जाता है. तो ये जो ऑटोनॉमी की बात हो रही है ये है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली. यानी रियलिटी में गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप चलाती है. गवर्नमेंट अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चला के उसके अकॉर्डिंग वर्क करवाती है. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड डीमेरिट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. फर्स्ट से रिलेटेड है, कुछ भी नया नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट का पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस चलता रहता है. मिनिस्टर्स को लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी है यानी गवर्नमेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी है, मिनिस्टर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है और इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के वो क्या करते रहते हैं, इसकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर करते रहते हैं. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ये जो है ये मिनिस्टर्स अपने वेम्स और फैंसीज के अकॉर्डिंग फ्रेम करते हैं. यानी उनकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग उनको जो सही लगेगा उनके लिए जो बढ़िया होगी वैसी पॉलिसी वो बना देंगे. थर्ड वन, बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनका एक ही टारगेट होता है, सरकार को मक्खन लगाना, सरकार को हैप्पी और सेटिस्फाइड रखना.
ताकि सरकार इनकी पॉकेट्स को फिल कर सके, बस ये एक ही टारगेट होता है। तो ये लोग जो होते हैं ये करप्ट हो जाते हैं और ये अल्टीमेटली अपना टारगेट रखते हैं सिर्फ गवर्नमेंट को प्लीज करना रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो तीन ही डीमेरिट पड़े हमने, ओनली फोर मेरिट्स एंड थ्री डीमेरिट्स। फोर में से फर्स्ट और सेकेंड मेरिट सिमिलर था, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है जिसकी वजह से काम करने का थोड़ा सा फ्रीडम है, फिर स्टाफ बहुत एफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि उसके खुद के रूल्स और रेगुलेशन है, और उसके अलावा एक पॉइंट हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट कंपनी कोलैबोरेशंस का बेनिफिट उठा सकती है। डीमेरिट सिंपल से तीन पॉइंट, ऑटोनॉमी सिर्फ पेपर पे है, गवर्नमेंट का पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस रहेगा, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कभी भी चीटिंग और धोखा कर सकते हैं। चलिए, कब सुटेबल है, जब गवर्नमेंट चाहती है किसी प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करना विदाउट नेशनलाइजेशन, यानी किसी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को गवर्नमेंट डायरेक्टली नेशनलाइज करके अपने कंट्रोल में नहीं लेना चाहती, बट उस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज पे गवर्नमेंट अपनी टर्म जरूर लगाना चाहती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकती है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, वेयर गवर्नमेंट साथ मर्जर कर लिया जाए, कोलैबोरेशन कर लिया जाए, वहां पे भी ये फॉर्म वो यूज करेगी। And next, where the project require government planning and funds, जहां project में सरकार की planning और सरकार के पैसे की जरूरत है, वहां भी सरकार क्या करेगी, इस form of business को use करेगी। आगे वापस आपके लिए एक case study given है, GAIL is carrying various projects of energy and power, majority of shares are held by government, आपको बताना है, registration भी हुआ हुआ है, board of directors को कौन appoint कर रहा है, public sector enterprise कौन सी है, government shares किसके नाम से खरीदती है, और गवर्नमेंट कंपनी अपनी रिपोर्ट्स कहाँ सबमिट करती है, तो ये सारे आंसर्स जो आपने पीछे क्वेश्चंस पढ़े उनमें आ गया। अब ये पार्ट देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अभी तक के चैप्टर का रिविजन है ये, अभी तक के चैप्टर का रिविजन, कंपेयर कर रहे हैं हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी को। तो फॉर्मेशन की बात करें, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आराम से फॉर्म हो जाता है, गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री फॉर्म कर देती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन कब फॉर्म होगा, जब एक स्पेशल एक्ट पास होगा, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से ही फॉर्म हो सकता है, बिना एक्ट के ये फॉर्म नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म होगी जब वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाएगी। सिंपल सा पॉइंट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जब जैसे चाहे फॉर्म कर सकती है, पब्लिक कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से फॉर्म होगा सिर्फ, और गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्ट्रेशन करवा के फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस, आप सबको अच्छे से पता है गवर्नमेंट कंपनी का और पब्लिक कॉर्पोरेशन का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली और इसका कोई भी अलग लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट कंपनी का और पब्लिक कॉर्पोरेशन का लीगल एग्जिस्टेंस है, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। थर्ड, फाइनेंस, वैसे तो तीनों गवर्नमेंट से पैसा ले सकती है, बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ओवरऑल फाइनेंस गवर्नमेंट से ही आता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ही पैसा आएगा और जाएगा भी किस में, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, तो टोटली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट इन बजटरी एलोकेशंस। बट अगर मैं बात करूं पब्लिक कॉर्पोरेशन की, तो सरकार से पैसा मिलेगा और ये लोग इंडिपेंडेंटली भी बोरो कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी की अलग ही फाइनेंसिंग होती है, शेयर होल्डर्स इसमें पैसा देते हैं और ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन से बोरोइंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट हो गया है, फोर्थ पॉइंट की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मैनेज करती है गवर्नमेंट की कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री लिखा हुआ है। गवर्नमेंट क्या करती है भाई, अपनी मिनिस्टर्स में से ही कोई एक इंडिविजुअल रख देगी जो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्रियल कंट्रोल करेगा पूरे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे। पब्लिक कॉर्पोरेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। गवर्नमेंट कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करेंगे, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का राइट दोनों के पास है, गवर्नमेंट के पास भी और रिमेनिंग शेयर होल्डर्स के पास भी है। स्टाफ सिविल सर्वेंट होता है सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का स्टाफ, बाकी दोनों ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ सिविल सर्वेंट नहीं होता। फ्रीडम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फ्रीडम है ही नहीं, बाकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ फ्रीडम है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कुछ भी फ्रीडम नहीं है,
लेकिन बाकी दोनों ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और डे टू डे वर्किंग की फ्रीडम है. ओनरशिप प्राइवेट ये गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट की मिनिमम 51% ओनरशिप होगी, बाकी दोनों ऑर्गेनाइजेशन में 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की ही है. अच्छे से पढ़ के देखिए ओनरशिप वाला पॉइंट, रीड करके देखिए. चलिए, आई होप आपने रीड कर लिया होगा ओनरशिप तक. अब बात करते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की. अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी, कि आप किसको आंसर्स दोगे, आपने कैसे काम किया कैसे नहीं किया. तो देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हाईएस्ट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री के कंट्रोल में वर्क करेगा और सारी परफॉर्मेंस इसकी डिस्कस होगी पार्लियामेंट में. अगेन पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वहां भी है. और गवर्नमेंट कंपनी किसको अकाउंटेबल है, जिस मिनिस्ट्री को गवर्नमेंट ने उस कंपनी की पावर्स दी है, जिस मिनिस्ट्री को गवर्नमेंट ने उस कंपनी को संभालने को कहा है. फ्लेक्सिबिलिटी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो होती ही नहीं है, बाकी दोनों में मीडियम मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी होती है. पब्लिक कॉर्पोरेशन में थोड़ी ज्यादा और गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ी सी कम. ठीक है, लास्ट वन इज सुटेबिलिटी. कब सुटेबल है, जब रेलवे डिफेंस पोस्ट ऐसा कुछ करना है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सुटेबल है. जब आपको कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एंटरप्राइज रन करनी है नेशनल प्रायोरिटी रख के, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन सुटेबल है. और जब आप चाहते हो कि गवर्नमेंट फॉरेन प्राइवेट कैपिटल या डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल भी चाहती है और अपना कंट्रोल भी चाहती है, तो उस सिस्टम के लिए गवर्नमेंट क्या स्टार्ट कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकती है. अब नेक्स्ट डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का. ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मेशन. प्राइवेट सेक्टर का फॉर्मेशन एक लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली इजी होता है. क्यों? क्योंकि सरकार के हाथ में है, सरकार अपना डिसीजन लेके बहुत इजीली पब्लिक सेक्टर बिजनेस को सेटअप कर सकती है. ऑब्जेक्टिव आप सबको पता है, प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, अर्निंग प्रॉफिट, सभी को पता है राइट, अर्निंग प्रॉफिट. और पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव रहता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जनरल पब्लिक को अपनी सर्विसेज देना, मैनेजमेंट. प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट जनरली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं. प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो ये जरूरी नहीं है. रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर का फॉर्मेशन बड़ा ईजी सा है, सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का फॉर्मेशन जो है वो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्राइवेट सेक्टर का फॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है, बट पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अपने डिसीजन से ही स्टार्ट कर लेती है. प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और गवर्नमेंट सेक्टर का होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज. प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मैनेज जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर के बीओडीज जो होते हैं वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं. नेक्स्ट कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर में ओनर्स और इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है. यानी कितना सिंपल सा पॉइंट है, हमें नाम से ही पता चल रहा है. फ्रीडम प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा ज्यादा, पब्लिक सेक्टर में थोड़ा कम. अकाउंटेबल, दिस वन इज इम्पोर्टेंट. प्राइवेट सेक्टर जनरल पब्लिक को अकाउंटेबल नहीं होता कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, बट पब्लिक सेक्टर जरूर जनरल पब्लिक को अकाउंटेबल होता है. क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में डिस्कस की जाती है. उसके बाद एम्प्लॉयज, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर के खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं. जनरली सिविल सर्वेंट होते हैं, बट अगर सिविल सर्वेंट नहीं भी है तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो उन एम्प्लॉयज को फॉलो करनी पड़ेंगे. गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उनकी वर्किंग होगी. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्राइवेट सेक्टर का परफॉर्मेंस जज किया जाता है उनके प्रॉफिट के बेसिस पे. कितना इकोनॉमिक गेन हो रहा है उनको, कितना प्रॉफिट हो रहा है उनको, उस बेसिस पे देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म करती है. लेकिन पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस इकोनॉमिक गेन से जज नहीं करते, नॉन इकोनॉमिक मैटर्स देखते हैं. वेलफेयर कितना किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हुआ, लोगों को कितना फायदा हुआ, ये सारी चीजें देखी जाती है. ठीक है, आगे देखिए, ये डिफरेंस कर लिया. नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी. मल्टीनेशनल कंपनी दो वर्ड से मिलके बना है मल्टीनेशनल, मल्टी प्लस नेशनल. मल्टी यानी मैनी, एक से ज्यादा, मल्टी राइट, नेशन यानी कंट्री. तो मल्टीनेशनल का मतलब है कोई भी ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है.
जैसे कि हम बात करें कोक जो हम पीते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है वो, हम इंडिया में भी मिलती है, यूके में भी मिल जाएगी, आप कहीं भी चले जाइए आपको कोक मिल सकता है। एलजी, सैमसंग, ये सारी एमएनसीज है जो एक से ज्यादा कंट्रीज में काम करती है। तो देखिए रीड करते हैं व्हाट इज अ एमएनसी। सिंपल सा पार्ट है, मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल, दो अलग अलग वर्ड्स आए मल्टी और नेशनल। मल्टी मीन्स मैनी एंड नेशनल मीन्स कंट्री, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मल्टी का मतलब है मैनी और नेशन का मतलब है कंट्रीज। सो अ मल्टी नेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज, कोई भी ऐसी कंपनी जो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है उसी कंपनी को हम मल्टी नेशनल कंपनी कहते हैं। सच अ कंपनी हैज ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ऐसी कंपनी की अलग अलग देशों में वर्कशॉप्स होती है, फैक्ट्रीज होती है, शॉप्स होती है। अब ये वन मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल एंटरप्राइज और इंटरनेशनल एंटरप्राइज। इसको ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज भी कहते हैं और इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक साथ बहुत सारी जगह पे वर्क कर रही होती है, ये एक साथ बहुत सारी कंट्रीज में वर्क कर रही होती है। अब इसकी जो हेडक्वार्टर्स होते हैं यानी जो मेन ऑफिस है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, वो तो होगा होम कंट्री में। होम कंट्री यानी जिस देश की ये कंपनी, जिस भी पर्टिकुलर कंट्री की कंपनी है, जिस कंट्री का ओनर है, उस कंट्री में तो इसका होगा हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर। और बाकी सारी कंट्रीज में होंगे इसके अदर ऑफिसेस, जिसे हम होस्ट कंट्रीज कहेंगे, उन सब में होंगे इसके अदर ऑफिसेस। इसका रजिस्ट्रेशन उसी कंट्री से होगा जिस कंट्री से ओनर बिलोंग करता है, जिस कंट्री से ओनर बिलोंग करता है उसी कंट्री से एक एमएनसी का रजिस्ट्रेशन होगा। एमएनसी वाला पार्ट जो है उसको रीड करके देखिए आराम। इसमें जस्ट बातें आपको गिवन है कुछ एग्जांपल्स, कोको कोला हो गया, ह्युंडई हो गया, ये सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है, एलजी, सैमसंग, सोनी, ये सब हमने सुना है ना, ये एमएनसीज है। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएनसी, लास्ट टॉपिक हमारी आज की क्लास का। अगर हम बात करें मल्टीनेशनल कंपनी के क्या फीचर्स है, तो सबसे पहला जीएम साइज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, आप सोचिए मोर देन वन नेशन में काम कर रही है तो कितनी कैपिटल होगी इनके पास, तभी तो मोर देन वन नेशन में काम कर रही है। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं जीएम साइज बड़ी साइज की कंपनीज हैं और ये कंपनीज के पास बहुत सारे कैपिटल रिसोर्सेज है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी कैपिटल है, तभी ये मोर देन वन नेशन में काम कर पा रही है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द असेट एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज, बहुत ज्यादा है। These companies operate on large scale, बड़े लेवल पे काम करती है। Their operations are so huge that sometimes their sales turnover exceeds the GNP of a developing country. सुनिए इसको, ये कह रहे हैं काफी बार एक MNC का sales turnover इतना ज्यादा होता है कि वो किसी किसी देश की GDP को भी cross कर देता है, यानी किसी कंट्री का ओवरऑल साल भर का प्रोडक्शन उतना नहीं होता जितना एमएनसी का पूरा सेल होता है, क्योंकि ये अलग अलग देशों में काम कर रही है ना। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स आईबीएम करके जो एमएनसी है, उसकी फिजिकल असेट्स $8 बिलियन से भी ज्यादा है। काफी बार हमारी जीडीपी भी नहीं होती इतनी जितनी ज्यादा इनकी ओवरऑल सेल्स हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सिंपल सा, एमएनसी है, बड़ी कंपनी है, तो डेफिनेटली ज्यादा कैपिटल और ज्यादा बड़े साइज की कंपनी रहेगी। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ये कह रहे हैं बिजनेस भले ही अलग अलग देशों में चल रहा हो लेकिन कंट्रोल एक ही जगह से होगा, वो सारा कंट्रोल होगा हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर लोकेटेड होता है होम कंट्री में। होम कंट्री कौन सी होती है, अभी बताया था आपको, जहाँ ओनर है, जहाँ का ओनर है, जहाँ से वो बिलोंग करता है, जहाँ उसने कंपनी शुरू की थी। जैसे रिलायंस की बात करें तो इंडिया में स्टार्ट हुई, राइट, तो इंडिया उसकी होम कंट्री। अगर वो कहीं और भी ट्रेड करे तो इंडिया उसकी होम कंट्री हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं ब्रांचेस जो है वो स्प्रेड हो रखी है अलग अलग कंट्रीज में, बट कंट्रोल और मैनेजमेंट सारा हेडक्वार्टर से होता है और हेडक्वार्टर होम कंट्री में लोकेटेड होता है। सारी ब्रांचेस हेडक्वार्टर के रूल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, जो जो रूल्स हेडक्वार्टर में बता रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। नेक्स्ट वन, एडवांस टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करती है एमएनसी। क्यों यूज करेगी आप सोचिए,
जब आपको एक से ज्यादा देशों में अलग अलग कंट्रीज में काम करना है तो डेफिनेटली आपके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्लस इनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करके, इनोवेटिव टेक्निक यूज करके बहुत अच्छे से काम कर सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से काम। आगे बढ़ते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। ये कह रहे हैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और एक्सेलेंट मार्केटिंग स्किल्स होने की वजह से एमएनसी इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच पाती है। ये क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को मोर देन वन कंट्री में सेल आउट करती है, मोर देन वन कंट्री में अपनी ब्रांचेस, अपनी फैक्ट्रीज, अपने ऑफिसेस को स्प्रेड करके रखती है जिससे ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो यही लिखा हुआ है, देखिए, ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सेलेंट मार्केटिंग स्किल MNC has access to international market, multinational corporation का international market तक access है। Access का मतलब होता है पहुंच, ये access नहीं होगा, ये access है, इसका मतलब है reach, ठीक है? आप reach word use कर सकते हैं। फिर it is able to sell its products or services to different countries, अलग अलग countries को sell कर सकती है। It operates in more than one country, it has its branches, factories, offices in several countries. And it operates to a network of branches and subsidiaries in the host countries. Home country में तो उसके headquarter होंगे और host countries में क्या होंगे, उसके branches होंगे, उसके offices होंगे. Next point, oligopolistic power. Oligopoly का मतलब होता है कुछ ही हाथों में power होना। हमारे India जैसे country में जब MNCs आती है तो इनके पास भी बहुत सारी powers होती है। ये ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स लेके आती है, यानी इनके आने की वजह से हमारा मार्केट सेलेक्टेड लोगों के हाथ में चला जाता है। जैसे हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड का बता रखा है, इन्होंने क्या किया, फिर टाटा ऑयल मिल्स को भी अक्वायर कर दिया, यानी पावर्स अपने कंट्रोल में लेने लग गई, ठीक है? पॉन्ड्स इंडिया को भी अक्वायर कर लिया और अपना मार्केट शेयर क्या कर लेते हैं, ये इंप्रूव कर लेते हैं। आगे देखिए, प्रोडक्ट इनोवेशन, ये न्यू न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, सुपीरियर डिजाइन और सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लाते हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये बहुत अट्रैक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। ये एक डीमेरिट के फॉर्म में भी आता है काफी बार, ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आप इसमें ये अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अंडरलाइन कर दीजिए। इसका मतलब काफी बार ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यूज करते हैं जो गलत हो, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को नुकसान देके जा रही हो, बट कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बट इनकी सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स बहुत एडवांस्ड होती है, ये बहुत मॉडर्न तरीके से सेल्स प्रमोशनल प्रमोशन करने की कोशिश करते हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है फॉरेन कोलैबोरेशन। ग्लोबल एंटरप्राइज हमारी कंट्रीज की कंपनी के साथ मर्ज होके हमें फॉरेन प्रोडक्ट्स भी देती है, हमारी कंपनी के ही ब्रांड नेम के साथ ही हमें फॉरेन प्रोडक्ट्स भी दे पाती है। जैसे मर्जर कर लिया किसी इंडियन कंपनी के साथ और उसके बाद में उसको अपना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज देके उसके लिए पैसे ले लिए और इंडियंस को इंडियन नेम से ही प्रोडक्ट दे दिए, ये फॉरेन कोलैबोरेशन का बेनिफिट है। अब ये बोल रहे हैं क्या हमें एमएनसी को इंडिया में अलाउ करना चाहिए, तो ये हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, अभी आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। एमएनसी क्या होती है, एमएनसी के फीचर्स क्या क्या है, ये आपको सारा पढ़ के रखना है। मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के 8 फीचर्स, गवर्नमेंट कंपनी उसकी एटलीस्ट 6 फीचर्स, 3 मेरिट्स एंड 3 डीमेरिट्स, ये आपको लर्न करना है। एमएनसी उसके फीचर्स, कम से कम 5 फीचर्स, मीनिंग एंड 5 फीचर्स, ये आपको लर्न करना है। रजिस्टर्स मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, एट लास्ट आपका इवैल्यूएशन आपके रिटर्न वर्क के बेसिस पे ही होगा, तो आपके इवैल्यूएशन के लिए ये जरूरी है कि आप प्रॉपर वे से अपना रिटर्न वर्क करें। मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, प्रिपेयर करते रहिएगा, चैप्टर कंप्लीशन के जस्ट बाद आपका इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। इज इट ओके टू एवरीवन? एनीवन, एनी डाउट्स? Okay, ma'am. All right then. See you in the next class. We will discuss the remaining topics in our next class. Have a nice day. Enjoy yourself.